हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वीडन ऑफिशियल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत सॉफ्ट बना है। इस केक के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगे और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और इसे ढककर रख देंगे प्री हीट होने के लिए। अब एक बाउल में हम ऑरेंज जूस लेंगे। ये मैंने रियल ब्रांड का ऑरेंज जूस लिया है। हाफ कप जूस ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे अब ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने 2 टेबल स्पून काजू लिया है, 2 टेबल स्पून किशमिश, 2 टेबल स्पून बादाम, चेरी 2 टेबल स्पून, ब्लूबेरी 2 टेबल स्पून और ये टूटी फ्रूटी है रेड कलर का, ग्रीन कलर का, एंड यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून वाटरमेलन सीड। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को जूस में डालकर 1 से 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसे 1 घंटे के लिए ही रखा। 1 घंटे के बाद हम केक बनाएंगे इससे, और आप चाहें तो 2 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ इंडक्शन पर पैन रख दिया है, पैन को हीट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। ये चीनी हमें क्रेमलाइज करना है तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये चाशनी बन जाएगी। और जैसे ही हाई फ्लेम पे डालेंगे चीनी, ये इस तरह से क्रेमलाइज होगी और हम इसको चला देंगे। थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा फिर इसका। इस तरह से चला देंगे, हाई फ्लेम पे ही रखेंगे हम। और जैसे ही हमारी शुगर क्रेमलाइज हो जाएगी तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि बंद करने के बाद ही पानी डालें, नहीं तो इसमें थोड़ा सा उछाल आता है तो थोड़ा सा जलने का डर रहता है। इसलिए हम पहले फ्लेम को बंद करेंगे, उसके बाद पानी डालकर धीरे धीरे इस तरह से चलाएंगे। और जब ये बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि हम इसी से ही केक बनाएंगे तो हमें इसको थोड़ा पतला करना है। ये देखिए इस तरह से हो गया है। पानी डालने के बाद फिर हम फिर से फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से करेंगे हम। तो अब ये हमारा सीरम भी रेडी होके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 1/2 कप दूध, 1/3 कप ऑयल। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने छन्नी रखा है एक बाउल में और डालेंगे हम 1.5 कप मैदा, 1 कप और 1/2 कप मैदे का यूज़ किया है। और इसमें हम डालेंगे लौंग, इलायची और दालचीनी का पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे केक का। और इसको हम छान लेंगे। दोस्तों, जो मार्केट में प्लम केक मिलते हैं उसमें ये पाउडर डालते हैं जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे केक का। और उसके बाद जो हमने क्रेमल सॉस बनाया था वो भी डाल देंगे हम इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। कट एंड फोल्ड डायरेक्शन में मिक्स करना है। ध्यान रखने कि हमें अपना बैटर ओवर मिक्स नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा जो सॉस है, ये मेरा थोड़ा सा गाढ़ा था, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बैटर में ये सॉस डालने के बाद भी गाढ़ा रहता है तो आप दूध डालकर थोड़ा थोड़ा दूध डालें और फिर आप इसे मिक्स करें। ध्यान रखें, हमें जो बैटर बनाना है केक का वो हमें फ्लोई बैटर बनाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालकर कट एंड फोल्ड डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो और अब यहाँ पे ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। और जब हम ड्राई फ्रूट्स ऑरेंज जूस में भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि हमें, क्योंकि जो हम जूस डालेंगे उससे भी हमारा बैटर गीला होगा, तो उसी हिसाब से हमें दूध डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, सबसे मेन इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं इस केक में, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। अब हम एक छन्नी रख लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक और थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो केक टिन अपना रेडी करके रखा था, अब इसमें हम बैटर को डाल देंगे और थोड़ा सा टैप कर लेंगे इस तरह से, जैसे इसमें एयर बबल्स आ जाएंगे और हमारा केक अच्छी तरह से फूलेगा।
ये देखिए इस तरह से टैप कर लेना है। और यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे, इससे थोड़ा सा हम अपना केक भी अच्छी तरह से डेकोरेट कर देंगे, इसमें ऊपर से डालते हैं, जिससे हमारा जो केक का लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें मैंने काजू, ब्लूबेरी एंड टूटी फ्रूटी, रेड और ग्रीन कलर का ये सारी यूज़ किए हैं मैंने। आप एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जैसे बहुत सारे लोगों का जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, ये ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो केक का बैटर है वो फ्लोई बैटर होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो ड्राई फ्रूट्स अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ ये आपके ऊपर ही रहेंगे, अच्छी तरह से दिखेंगे। तो अब हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है, इसे ढककर रख देंगे, एटलीस्ट 40 to 50 मिनट तक पकाएंगे। ये मैंने 50 मिनट के बाद चेक किया, ये टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे, टूथपिक क्लियर है, दैट मीन्स हमारा केक पूरी तरह से पक चुका है। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें टूथपिक डाला, हमारा टूथपिक क्लियर आ रहा है, तो हमारा केक रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे, ये देखिए अब केक हमारा ठंडा हो गया है, मैंने निकाल के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना फ्लफी केक बनके रेडी हुआ है, ये मैं आपको डीमोल्ड करके भी दिखा दे रही हूँ। इसका कलर भी इतना अच्छा आया है, इसके ऊपर से हम बटर पेपर हटा देंगे। तो ये देखिए, तो दोस्तों अभी क्रिसमस भी आने वाला है, तो आप लोग इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।